हाय गोदावरी किचन में आप सब लोगों का फिर से मैं एक बार स्वागत करती हूँ। आज मैं नवरात्रि स्पेशल व्रत वाला साबुदाने का उत्पम बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम कढ़ैया गरम कर रहे हैं, उसमें फल्ली दाना हमारा आधा कप है, इसको हम भून लेते हैं। ऐसी फ्राई करेंगे, इसमें तेल वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। हम बिना ऑयल वाइल का ड्राई रोस्ट करेंगे, एकदम नहीं भुनेंगे, हल्का से भुनेंगे। आँच मध्यम में रखेंगे ताकि हल्दी जले भी मत और अच्छा से भुना जाए। हल्दी हमारा भुना गया है, छिलका उतर रहा है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा करने रख देते हैं। हल्दी का हम छिलका निकाल लिए हैं, अब इसको मिक्सी के जार में डाल के दरदरा पीस लेते हैं। हमने एक कप साबुदाना लिया था, उसको 4-5 बार पानी में स्टार्च निकलते तक धो लिए हैं और उसको 3 घंटा डुबा के रखे थे, फूल के ऐसा हो गया है साबुदाना। हमने बारीक वाला लिया था, चाहे तो आप मोटा वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको पीसना ही है। अब इसको हम जार में डाल देते हैं। इसमें हम आधा कप पानी डाल रहे हैं पीसने के लिए और इसको हम चिकना पीस लेते हैं। हमने 2 आलू लिया है मीडियम साइज का, इसका हम छिलका उतार लेते हैं। हमने आलू का छिलका उतार लिया है और पानी में रख दिए हैं, क्योंकि पानी छिलका उतारने के बाद अगर नहीं तो काला पड़ जाता है। और हमने किसनी लिया है, इसमें आलू को हम पीस लेते हैं। नीचे हम पानी रखते हैं ताकि काला मत हो करके। हमने साबुदाना को अच्छा से चिकना पीस लिया है, अब इसको हम एक बाउल में डाल लेते हैं। हमने आलू पीस के रखा है पानी में, देखो पानी आलू के कारण अलग कलर हो गया है। इसका हम पानी पूरा निचोड़ देते हैं और इसमें डाल देते हैं। इसमें हम जो फल्ली पीस के रखे थे इसको मिला रहे हैं। 3 हरा मिर्च है, बारीक बारीक काट के डाल रहे हैं। और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा था, इसको भी हम बारीक बारीक पीस के डाले हैं। और धनिया पत्ती है, इसको बारीक बारीक हम काट लिए हैं। अगर आप व्रत में नहीं खाएंगे धनिया पत्ती तो मत डालिएगा। अदरक भी नहीं खाएंगे व्रत में, अदरक को भी मत डालिएगा। और ये मीठा नीम पत्ती है, इसको भी हम बारीक बारीक काट लिए हैं, इसको डाल रहे हैं। अगर आप व्रत में खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसको भी मत डालिएगा। 1/2 चम्मच हम सेंधा नमक डाल रहे हैं, जो व्रत में खाते हैं वही वाला, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और हम इसमें 3 चम्मच दही डाल रहे हैं, घर का बना हुआ है, फ्रेश दही है। इसको हम अच्छे से पूरा मिला लेते हैं। अब हम उत्पम बना लेते हैं। हम तवा लिए हैं, इसमें हम तेल से ग्रीस कर देते हैं। फिर हम बेटर डाल रहे हैं इसमें, 2 चम्मच डालेंगे और थोड़ा मोटा ही रखेंगे, इसको थोड़ा फैला देते हैं और मोटा ही रखेंगे, छिड़क देते हैं। बाहर गोल करने के लिए ऐसे बराबर कर देते हैं और इसको हम 5 मिनट कम आंच में पकने देते हैं। हमारा अच्छा से नीचे पक गया है, इसको हम पलट देते हैं और इसको फिर हम 2-3 मिनट के लिए और पकने देते हैं। हमारे उत्पम दोनों तरफ अच्छा से सेका गया है, अब हम इसको निकाल देते हैं। हम ग्रेस कर लेते हैं और इसी तरह हम सारे उत्पम को बना लेते हैं। हमारा साबुदाना का उत्पम बनके तैयार है, बहुत टेस्टी और हेल्दी है।
इसको उपवास है इसलिए इसको दही के साथ खा सकते हैं और दही के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है उपवास में। और इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा खाइएगा और अपना अनुभव मेरे गोदावरी किचन में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।